हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये देखो, ये यहाँ पे पैरा भरा है, गवांडा रखा हुआ है जो गेहूँ का होता है ना, वो हमारी प्यारी गैया के लिए। और ये है धान की पैरा, और ये हमारा टुकना रखा है यहाँ पे। इसमें क्या है? सीताफल। तो देखते हैं कितने सीताफल बचे हैं यहाँ पे। कम से कम 25-30 सीताफल रखे हुए थे और कुछ खा के हो गए हैं, क्योंकि मेरा भाई है ना, वो भी ले जाता है एक दो करके और बच्चों के साथ वो लोग खा लेते हैं। तो अभी देखते हैं, दो चार निकल जाएं तो। और बहुत ही प्यारे सीताफल है, घर के हैं ना, चारों लोग के घर के हैं। तो ये देखो, पका हुआ है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। किस किस को अच्छे लगते हैं सीताफल बताना हमें भी, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और दो चार और देखते हैं। और दादू को भी इतने पसंद है ना, पता नहीं वो कहाँ सीखा है। एक दिन हम बालाघाट गए ना, वहाँ पता है ये इतना बड़ा सीताफल 20 रुपये का दे रहा था वो। तो हम लोग बोले, नहीं भैया, हमारे तो घर में बहुत हैं, हम लोग तो लेके नहीं खाएंगे इतना इतना, यानी 20 रुपये, 15 रुपये। तो ये यहाँ पे एक जंगल है, तो वहाँ पे तो सैकड़े के हिसाब से मिलता है, पर हमारे तो वहाँ मेरे मामा लोग के यहाँ पे पेड़ है बहुत बड़ा सा, तो उसमें फले हुए हैं बहुत सारे बहुत सारे। तो भेजी थी मेरी मामी ने। और ये देखो, दादू को दे रही हूँ मैं। वो ये भी पक गया रे। ये भी पक गया। अभी इसको ढक के रख देते ताकि जो भी कच्चे हैं ना, तो वो और पक जाएं। पता है, सीताफल चावल में भी पक जाते हैं, गेहूं में भी पक जाते हैं, पर इस बार हमने पैरा में पकाए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, पहले के ज़माने में ऐसे ही पकाते थे। तो इधर बाहर के साइड रख दिए हैं ना, तो इधर किधर खाओ और फेंको, नहीं तो घर भर बच्चे फिर कचरा कचरा कर देते हैं इसका। इधर यानी दाने रहते हैं ना, दाने दाने फेंकते इधर उधर। पकड़ो हो नहीं तो थोड़ा सा उसके पैर को बांध देंगे क्या? तो ये जो हमारी छोटी वाली गैया है ना, ये देसी गाय, तो इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, तो इसके लिए हमने डॉक्टर बुलवाए थे। बेचारी को 4 इंजेक्शन लगे, पता है। पहले ना इंजेक्शन को ऐसे टोच देते हैं, उसके बाद फिर लगाते हैं, तो वो बड़ा दया आता है। ये देखो, ये इनने पकड़ के रखे थे 3 हाथ में, और बहुत ये ना चारा नहीं खा रही थी, इसको थोड़ा सा गैस हो गया था, तो बहुत परेशान हुई है वो। तो फिर थोड़ा सा बुखार भी था, और अभी इनको ना हमने नहला भी दिए थे। अब मतलब इनका पता नहीं चलता ना, इनको गर्म नहीं लगता, थोड़ा सा लगा कि ये पेट फूल रहा है और खाना नहीं खा रही है, तो इसको सिर्फ यही मतलब खाना पचाने की प्रॉब्लम है। और ना जब नहला रहे थे तो ये कांपने लगी, तब लगा कि सही में इसको बहुत फीवर है। तो फिर ये डॉक्टर साहब हैं, तो इनको पहले ही फ़ोन कर दिए थे, तो अभी आ गए हैं, तो अभी इसको दवाई ववाई कर रहे हैं। और ना इन गैया से मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा प्यार है ना, थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो बिल्कुल उनकी केयर करती है। क्या गेट लगा दे भाई, अच्छे से हो गया, हो गया।
कर दो बंद, कर दो मम्मी। मम्मी हेलो, अभी हम जा रहे हैं चारू लोग के घर। ये देखो काव्या रानी, काव्या क्या बोल रही है, धूल में चलो, ले धूल में चलो। ये देखो दादू लोग आगे आगे जा रहे हैं एकदम। कहाँ लुको लुको, इसलिए तो बोली थी कि आप ना अपनी चप्पल पहनो। ये ना ईसु की चप्पल पहनने के लिए जूता पहनने के लिए लड़ाई कर रही थी आज। ईसु की चप्पल, ईसु की जूता पहन ली है और उसे चलते भी नहीं बन रहा है रवि, है ना। मैं ना बहुत आलस करती हूँ, मैं रोज़ सोचती हूँ जाऊँगी करके, पर ना मैं बहुत आलस करती हूँ, नहीं जाती हूँ। दिन भर इन्हीं के बीच में रह जाते हैं और फिर शाम को सोचते हैं जाएंगे तो शाम को टाइम निकल जाता है, रात हो जाती सीधे, है ना। पर तो चारू आज आई थी बुलाने की, दीदी मेरे साथ चलो, दीदी मेरे साथ चलो। ए दादा रुको, ये देखो सामने सामने भागते हैं एकदम तेज तेज। और यहाँ से रोड भी ना बहुत चलती है, देखा यहाँ से ट्रैक्टर ट्रक बड़े बड़े सब चलते हैं। यहाँ अंदर सोसाइटी है ना, तो वहाँ सब गेहूँ धान सब आता है इसीलिए। धीले से चलो, धीले से। कावे गाड़ी आ रही है साइडो। किसकी कावे की? हाँ काव्या चल रही है। बस इधर देखो, उधर ना ये तुरई करेला है। नांदी का सबसे पुराना दूरभाष केंद्र जो अब जंग लग गया है, आजकल BSNL चल नहीं रहा है तो ये भी बंद हो गया है। और अभी मैं दिखाने वाली हूँ गांव का सबसे पुराना, मतलब ऐसा घर जो कई सालों से बंद है, ना ही वो बिका है और ना ही वो कोई वहाँ रहते हैं, वहाँ के जो भूतिया घर नहीं है, वहाँ भूत रहते, कोई आजू बाजू के लोग ही नहीं रहते। तो ये है वो वाला घर, कम से कम फिर भी 30 साल हो गया ये लोग ये घर बंद है और यहाँ पे कोई नहीं रहता है। यहाँ के जो रहने वाले थे वो हरिद्वार में जाके बस गए हैं और ना ही ये लोग बेचते हैं इसको। तो ये घर की हालत ऐसी है। अंदर से जाके भी दिखा देते हैं। अंदर कैसे जाएंगे, बंद है, लॉक है, लॉक है, आते हैं क्या। ये है सबसे पुराना पेड़ हमारे गांव का, सबसे पुराना पीपल का पेड़, सबसे पुरानी काव्या। आओ बेटा। पहले पता है जब मैं स्कूल जाती थी तो ये वाले घर से वो उधर जहाँ पे हम बस बैठते हैं वहाँ तक पैदल जाती थी। स्कूल 11th 12th मैंने यहाँ किया है कटंगी में गवर्नमेंट स्कूल में, तो पैदल जाती थी। और आजकल तो ना सब घर बदल गए हैं क्योंकि सरकार पैसा दे रही है घर बनाने के लिए, शहरी में 2 लाख, ग्रामीण में 1.5 लाख, तो लोग थोड़ा बहुत करके अपना जुगाड़ करके बना रहे हैं। तो इतने दूर, और आज हमको आलस आता है पैदल चलने का, हम उधर नहीं जाते आलस के मारे। और उस समय ना हमको आलस था, डेली 6:30 बजे मैं उठती थी, नहीं 6:30 बजे मैं, हाँ 6:30 बजे उठ के, 6:30 बजे उठ के तैयार हो के हम 7:15 बजे घर से निकल जाते थे स्कूल के लिए। फिर वहाँ पे 7:30 या 7:45 बजे बस आती थी, बस में बैठते थे, कटंगी जाते थे, ट्यूशन करते थे, स्कूल करते थे और शाम के 6:30 बजे हम घर आते थे, है ना। वो देखो लौकी फल भी था। पहले जब ये स्कूल चालू था ना चारों, तो चें चें पे आवाज़ आती ही रहती थी। अरे बाप रे, कहाँ गए ये दोनों, सीधे पीछे तो नहीं चले गए। ये वाला जो घर है, ये वाला घर मेरे मम्मी के शादी के टाइम बना है, और ये जो सामने की डहल है ये मेरे बड़े मामा जो है उनकी शादी के टाइम बना है।
तो सोचो कितना पुराना हो गया, 30-32 साल का घर हो गया ये। अभी हम पहुंच गए हैं। कौन है, कौन है? नहीं नहीं नहीं, इधर बेबी है, डॉगी बेबी है। जिमी जिमी जिमी, अरे कान उधर मत जाए, जिमी छूटा कहां है? लुक लुक गई है इधर ही बांधते बाहर कुंडी में। सब लोग बांधते हैं। और अभी हम बैठे हैं, बैठ के खा रहे हैं सीताफल। यहाँ पे भी पकाई थी मेरी मामी जी ने। तो हम तीनों लोग, हम चारों आए हैं, मम्मी मेरी नहीं आई है, मैं, दादू, काव्या और ये आई है इसु। तो अभी थोड़ी देर बैठेंगे फिर जाएंगे। और ये प्लास्टर नहीं हुआ है ये दीवार का, इसलिए पेंटिंग नहीं हुई है, अभी बना है ना ये बाउंड्री से लिए। ये कौन है बता दो, ये कौन है, ये कौन है, ये बड्डी कौन है, किसकी बड्डी माए है? हमारे यहाँ पे मम्मी मेरी, मम्मी की बड़ी माँ, उसको क्या बोलते हैं बताए, बड़ी माए, बड़ी माए बोलते थे पहले। देखो माई बड़ी माए बैठी है ना, बड़ी माए, बड़ी माए कई बोल पवारी माँ, हमारी भाषा पवारी है, हम लोग पवार हैं। तो बड़ी माए बोल दे अपना अपना नाम बता दे पवारी में। मोरो नाम, मोरो नाम तो जयतुरा से, जयतुरा से यहाँ को जयतुरा मंतुरा कौशोला, इतना नाम। और वहाँ का माइके का सुबन, सुबन पूरी यहाँ सुबन चलो से ना। कई बार काट फूट सुबन, पप्पू को आती है पवारी? अरे पप्पू को, बड्डी को तो आती है, भैया को, दादा तेरे को, काव्या को बस इतना ना आता है, हो गया है ना काव्या। तो हम लोगों की ना, हमारी जो कास्ट है वो पवार है, तो हम लोग की भाषा भी पवारी है, पर हम लोग को नहीं आती है, तो वो इतू सा आता है बस। ये देखो बंदरिया, बंदरिया, बंदरिया।